मोहित जी, आप लोग एसपी से मिलने आए हैं, क्या पूरे मामले में अब तक चल रहा है, पुलिस कितनी सहायता? पूरा मामला ये है जी, मैं लगातार डेढ़ दशक से महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में सोशल एक्टिविस्ट के रूप में, छात्र नेता के रूप में काम किया है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में लगातार मेरे देखते देखते दो दर्जन से अधिक लड़कियां सुसाइड कर चुकी हैं। ये एक तरफ से गिरोह काम कर रहा है, जो भी सुसाइड होता है उसकी असली वजह को न जान के ये उनको दबाने में लग जाते हैं। इनको किसी भी चीज़ का पता चलता है कि ये हो गया तो ये अपनी भूंड को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए लड़की के माँ बाप को, लड़की के रिश्तेदारों को, जो भी कोई सबूत जो इनको ये लगता है कि प्रभावित करेगा केस को, ये उनको प्रेशर बना के, उनको बहला फुसला के कि भाई बदनामी हो जाएगी, लड़की का काम है, ये दबा लेते हैं। न जाने कितनी लड़कियां इस चीज़ का शिकार हो चुकी। मैं तो ये कह रहा हूँ, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार, बड़े बड़े अधिकारियों से लेके पुलिस के भी बड़े अधिकारियों को इस मामले को तय तक जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऐसे अधिकारी हैं, मैं नाम लूँगा तो उनकी नींद उड़ जाएगी, जो इस मामले को प्रभावित करने में लगे हुए। यहाँ तक कि पुलिस कर्मचारी, एएसआई लेवल तक के अधिकारी, लड़की, जो लड़की इस केस में भी जो उसकी रूममेट है और उसकी सहपाठी है, क्लासमेट हैं, उनको ये बोला जा रहा है फ़ोन कर करके कि आप लोग इस मामले से पीछे हट जाएं, आप लोगों की ज़िंदगी के लिए ठीक नहीं रहेगा। आप उन लड़की के पेरेंट्स को कुछ कुछ कह के, अंदर गल बातें करके उनको बहकाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मैं ताऊ। हमारी गुहार ये है कि एक जो मुजरिम है जिसने हमारी लड़की के ऊपर इतना प्रेशर बनाया, वो तो बाहर घूम रहा है और हम दर दर घूम रहे हैं। यूनिवर्सिटी में कितने मर्डर हो गए, कोई जांच ही नहीं हो रही, प्रशासन क्या कर रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा। हम थाना में गए, वहाँ से हमें बका के भगा दिया गया कि जाओ FIR दर्ज हो गई है। बोले हमने उसको गिरफ्तार किया था, छोड़ दिया। एक आप मुजरिम को पकड़ते हैं और फिर उसको छोड़ते हैं तो वो तो सारे जो सबूत हैं उनको प्रभावित करेंगे। कौन मुजरिम है? किसने? दीपांशु राणा नाम का लड़का है जिसने हमारी लड़की को इतना प्रेशराइज किया कि उसे जांच से हाथ धोने पड़े और कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, हम दर दर घूम रहे हैं। क्या पहले बताया था आपने? हाँ, हमें पता था, वो लड़का बार बार परेशान कर रहा था उसको, वो NSCC कॉल कर रहा था बार बार में, और तो हमने उस बात को बताया था। और तो लड़की के ऊपर उसने इतना ज़्यादा प्रेशर बनाया उस दिन, हमने पता किया, उसकी जो दो रूममेट थी वो जींद की लड़कियाँ थी, तो उन लड़कियों ने बताया कि अंकल जी उसको इतना प्रेशर किया, उन्हें सारा दिन खाना नहीं खाया और वो पी रही, और हम शाम को जूस पीने गए तो इसने अंदर से बंद करके सुसाइड कर दिया। हम तब से घूम रहे हैं, PGI थाना गए तो पुलिस वाले क्या कर रहे हैं कि जो प्रूफ हैं, हमने उन लड़कियों के नंबर दे दिए, क्योंकि हम तो इनोसेंट हैं, हमें मालूम नहीं। एक चिड़िया की लड़की के हम नंबर दे दिए, इसको भी बताया, उन्होंने उनके घर फ़ोन किया कि बेटा आप इस मामले के अंदर ना आएँ,